ये जो टेबल अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये मैंने सिर्फ 7 कंपोनेंट्स की हेल्प से बनाया, ओनली कंपोनेंट्स यूज किया, नथिंग एल्स मैंने इवन कुछ भी और ड्रॉ नहीं किया है। और ये टेबल ना ही सिर्फ रेस्पॉन्सिव है, इसमें से आप डेटा रिमूव कर सकते हो और डेटा ऐड कर सकते हो बड़ा ही इजिली कंट्रोल डी की हेल्प से। और इसके अलावा इस वीडियो के अंदर आप ये भी देखेंगे कि हम लोग कंपोनेंट्स कैसे बनाते हैं, कंपोनेंट सेट कैसे बनाते हैं और नेस्टेड कंपोनेंट्स कैसे बनाते हैं, यानी कंपोनेंट के अंदर एक और कंपोनेंट हम लोग बनाते हुए कैसे किस किस कंडीशंस में यूज करें। और इस वीडियो में एक बोनस भी रहने वाला है कि अगर आपके पास इस तरह का बहुत सारे टेबल्स कंटेंट बना रहे हो, डेटा टेबल्स बना रहे हो, तो उसके अंदर आप रियलिस्टिक डेटा भी कैसे डालें, तो वो सब आज की इस वीडियो में कवर किया जाएगा। तो ये ट्यूटोरियल काफी ईजी रहने वाला है और यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं आपको। सबसे पहले तो जो टेबल है हमारा कुछ इस तरह से टेबल बनेगा। अगर इसको गौर से देखें तो इसमें कुछ फील्ड्स हैं जैसे कि चेकबॉक्सेज हैं, फिर आप देखेंगे कॉलम्स हैं, ये जो नेम, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, फोन, स्टेटस और एक्शन, और ये इसका रो का डाटा है, रो कंटेंट ये है, राइट। तो ये हमारे कॉलम्स होते हैं और ये रोज हैं सारी। तो अब इनके लिए हम लोग कंपोनेंट्स बनाएंगे और ये पूरा टेबल कंपोनेंट को ही यूज करते हुए हम लोग बना देंगे और इसे ईजिली रिस्पॉन्सिव भी कर पाएंगे। चलिए तो कैसे करेंगे ये सब। सबसे पहले तो मैंने यही फील्ड्स के अलग अलग यहाँ पे ये शेप्स बना ली हैं, जो भी हमने यहाँ यूज़ किया है वो सारा मैंने यहाँ पे अलग से बना के रखा हुआ है। ओके, अगर आपको कोई डाउट है कि ये कैसे बनता है तो क्विकली मैं आपको ये सभी बना के यहाँ शो कर देता हूँ। ये हमने टेक्स्ट लिया, शिफ्ट ए प्रेस किया, ये ऑटो लेआउट में आ चुका है। इसके अंदर कलर फिल करेंगे और कलर हम लोग यही वाला फिल कर लेंगे, राइट। तो ये एक कॉलम बना है, हमने इसकी जो हाइट है एक्चुअल में वो 70 रखनी है। ओके, आप ये हाइट चेंज भी कर सकते हैं, तो ये हाइट 70 रखी है एंड दोनों तरफ लेफ्ट एंड राइट में थोड़ा सा हम लोग और पैडिंग दे देते हैं इसको। तो ये हमारा एक कॉलम नेम बना है। अब ये कॉलम नेम जो है वो यहाँ पे आएगा और उसके बाद हम लोग इसके अंदर ये टेक्स्ट जो है वो चेंज करेंगे, तो आपको जब मैं वो करूँगा जब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा, राइट। ओके, उसके बाद इसी की कॉपी लेते हैं हम लोग और ये बनेगा रॉ कंटेंट। इसे हम लोग जो बैकग्राउंड है वाइट दे देंगे क्योंकि हमारी जितनी भी रॉज होंगी वो वाइट कलर में होंगी। ओके, तो इसका जो बैकग्राउंड है ना वो एक बार के लिए मैं थोड़ा सा लाइट ले लेता हूँ इसमें ताकि ये सब चीज़ें दिखाई दे क्लियरली। ओके, ये ले लेते हैं, राइट, ये हो गया। एंड इसी की कॉपी अगेन करता हूँ मैं, यहाँ पे लिख देते हैं पर्सन नेम। और अब देखिए इसके अंदर हमें क्या चाहिए, एक प्रोफाइल पिक्चर चाहिए, राइट। तो ये प्रोफाइल पिक्चर के लिए क्या करेंगे हम लोग, एक सर्कल लेते हैं, ये सर्कल लिया और इसे ड्रैग करते हुए यहाँ पे ड्रॉप कर देंगे। तो जैसे ही करते हैं ये इसके अंदर आ गया क्योंकि ये पहले से ऑटो लेआउट बना हुआ था, राइट। अब इसके अंदर हम लोग इमेज डालेंगे, वो बाद में देखते हैं। ये हमारा पर्सन नेम हो गया एंड फिर हम लोग इसके अंदर एक चेकबॉक्स बनाएंगे, ये रखी मैंने शेप, इसे रिमूव कर दिया, ये भी नहीं चाहिए तो इसे भी रिमूव कर दिया। वाओ, हो गया ना। अब ये चेकबॉक्स को आप बॉर्डर देना है, अंदर जो भी इफेक्ट लगाना वो कर सकते हैं। एंड ये जो स्टेटस है इसके अंदर एक और कंपोनेंट है, यानी कि हम लोग इसे इन सभी को कंपोनेंट तो बनाएंगे ही लेकिन इसके अंदर भी एक और कंपोनेंट डालेंगे जिसे नेस्टेड कंपोनेंट कहते हैं। ये अपकमिंग लिखा मैंने, शिफ्ट ए किया और एक शेप बन गई है। ओके, ऑटो लेआउट हो चुका है। अब इसके अंदर जो कलर है वो हम लोग फिल से कलर देंगे, कलर हमारा ये वाला कलर है, ये दे देते हैं। एंड इसकी बॉर्डर रेडियस कंप्लीटली राउंड कर देते हैं और इसे मैं कर देता हूँ थोड़ा सा विड्थ में ज़्यादा। ओके, ये हो गया। ओके, अगेन शिफ्ट ए करेंगे। अब इसके बाहर एक और ऑटो लेआउट आ चुका है, उसमें हम लोग फिल कर देंगे वाइट कलर। और हमें पता है कि इसकी जो हाइट है वो हमें फिक्स चाहिए जो कि 70 है, तो यहाँ से हम लोग हाइट इसकी 70 सेट कर देंगे और इसे ऑफकोर्स सेंट्रलाइज रखेंगे। तो ये भी हमारा बन गया। अब आप चाहें तो इन सभी का जो पैडिंग है वो आप सेम कर सकते हैं, मैं यहाँ पे अभी के लिए कुछ इस तरह से पैडिंग दे देता हूँ। ओके, अब आ जाता है नेक्स्ट ये बनाने का ऑप्शन। ओके, तो सपोज कीजिए कि आपके पास 2 आइकन्स पड़े हैं, आप आइकनिफाई से भी ले सकते हैं, आप चाहें तो इसी को ले आए यहाँ पे। ओके, और इसको मैं रखता हूँ यहाँ पे एंड इसे भी रख देता हूँ यहाँ पे, इसे मैं रिमूव कर देता हूँ। तो ये मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि पहले से हमारी हाइट वगैरह सेट की हुई इस शेप की पड़ी है, तो क्यों ना हम उसी को यूज़ कर लें। ओके, तो ये सभी सेम हाइट के हमारे एक तरह से ये जो कंटेंट है वो सारा बन चुका है, राइट। अब बारी आती है इन सभी को कंपोनेंट सेट बनाने की। ओके, अब आप चाहें तो इन्हें बाहर भी रख सकते हैं या आपने इसके अंदर रखना है, नो इश्यूज। और इनके नेम भी यहाँ पे दे देंगे इन लेयर्स के। ओके, तो यहाँ पे जो कॉलम के अंदर जिस तरह का डाटा आएगा जिसके लिए ये बनाए गए हैं उनके नेम्स मैंने ऊपर दे दिए हैं।
अब ये नेम देने का क्या बेनिफिट होगा, क्योंकि जब मैं इन्हें सभी को सेलेक्ट करूंगा और यहाँ टॉप में जाऊंगा और यहाँ से क्रिएट कंपोनेंट पे, यहाँ से क्रिएट कंपोनेंट सेट पे क्लिक करता हूँ, तो ये सारा एक सिंगल कंपोनेंट सेट बन चुका है और इसके अंदर जितने भी ऑप्शंस हैं उनके नेम पहले से ही सेट हो चुके हैं। ओके, अब अगर मैं एसेट्स में जाके इसे यहाँ से यहाँ लेके आता हूँ, तो आप अगर यहाँ जाएंगे तो आपको दिखाई देगा कि ये सारे, देखिए, जो मैंने नेम्स पहले ही दे दिए थे कंपोनेंट सेट बनाने से पहले, उनके सबकी लिस्ट यहाँ पे आ गई है स्विच करने के लिए। तो यहाँ से इजीली स्विच किया जा सकता है। तो ये मैंने खाली एरिया ले लिया, एक फ्रेम ले लिया, पेज ले लिया है, और इसमें मैं यहाँ से ड्रैग करते हुए इधर हमारा जो एक जो वेरियंट है उसे मैंने यहाँ पर रख दिया है। इसी को ही मैं यहाँ से कॉपी करते हुए नीचे लेके आया और कंट्रोल डी डी डी, जितने भी मुझे रोज चाहिए मैं इसे रिपीट करते जाऊंगा। ओके, राइट, अब इन सभी को सेलेक्ट करेंगे और शिफ्ट ए कर देंगे। आपने देखो रट्टा नहीं मारना है, आपने ये देखना है कि लॉजिक क्या बन रहा है इसके पीछे। ओके, तो अभी मैंने क्या किया है, देखिए अभी मे भी आपको कुछ समझ कम आ रहा हो यहाँ पे, लेकिन अभी जो मैं करने वाला हूँ उसके बाद आपको सारा टेबल ही समझ में आ जाने वाला है। ओके, तो अभी क्या किया, देखिए मैंने एक ये सारे रिपीट किए थे और उनको भी एक अलग से एक ऑटो लेआउट में डाल दिया था। ओके, तो ये हमारा एक पूरा ये वाला एक कॉलम बन गया है। लेकिन यहाँ जो हमने अभी करना है वो क्या है, इन सभी को मैं इस तरह से सेलेक्ट करता हूँ, ओके, और यहाँ से फिल कंटेनर करूँगा। फिल कंटेनर करते ही ये एक्चुअल में जो आउटर एक ऑटो लेआउट बनाया था उसमें फिल हो चुका है, राइट। अब अगर मैं इसे इस तरह से करूंगा तो ये देखिए, राइट, जो आउटर का एक सिंगल ऑटो लेआउट है वो इस तरह से रेस्पॉन्सिव बन रहा है, क्योंकि इसके अंदर वाले सिंगल सिंगल ये सभी फिल किए गए हैं। ओके, अगर किसी को भी डाउट है फिक्स फिल और हग कीवर्ड्स में, इनके फीचर फंक्शनैलिटीज में, तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। ओके, तो अभी हमने क्या करना है, देखिए इन सभी को मैंने सेलेक्ट किया इस तरह से, आप चाहे तो यहीं से अभी से यहाँ इन सभी को स्विच कर सकते हैं। अगर यहाँ देखते हैं तो चेक में, ओके, तो जैसे ही मैंने चेक में स्विच किया ये सारे स्विच में आ चुके हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे भी इसी तरह से चेक बॉक्सेस चाहिए। ओके, अब ये पूरी एक जो सिंगल ऑटो लेआउट था इसे हमने सेलेक्ट किया और इसकी कॉपी करेंगे, ऑल्ट प्रेस करते हुए यहाँ पे बिल्कुल पास में इसके रख देंगे। ओके, अब क्या करना है, अगेन हम लोग इसे एक को सेलेक्ट करेंगे और या आप शिफ्ट के साथ क्लिक करते हुए इन सभी को इस तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड अब हमें क्या चाहिए, सेकंड नंबर का कॉलम कौन सा था, नेम का। ओके, तो यहां से अब हम लोग नेम वाला कॉलम सेलेक्ट कर लेंगे, राइट, ये हो गया। ओके, अब इसी तरह से हम लोग ये देखते हैं कि हमें और कितने कॉलम्स चाहिए, तो हमें 1, 2, 3, 4 और 5 और चाहिए, राइट, तो यही हम लोग करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, मैंने कंट्रोल डी करता गया तो वो आगे से आगे कॉपी होते गए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यही कर सकते हैं हम, इन सभी को सेलेक्ट करेंगे, शिफ्ट ए कर देंगे, शिफ्ट ए करते ही ये सारे भी अपने आप में एक ऑटो लेआउट में चले गए हैं। अब अगर मैं इसे इस तरह से देखूं तो रेस्पॉन्सिव नहीं है, क्यों, क्योंकि इन सभी को इस तरह से अब सेलेक्ट करते हुए आपने यहां से फिल कंटेनर करना है। ओके, जैसे ही फिल कंटेनर करते हो ये सभी इक्वल इक्वल स्पेसेस में डिवाइड हो गए, डोंट वरी फॉर नाउ। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसे मैन्युअली इस तरह से जितना हमने इसको कम विड्थ देनी है वो दे सकते हैं, राइट। ओके, अब कॉलम नेम्स जो टॉप में है, ये देखिए शिफ्ट के साथ मैं डबल क्लिक करते जा रहा हूँ और हर कॉलम में से, हर एक ऑटो लेआउट में से एक एक टॉप वाला जो कॉलम है वो सेलेक्ट होते जा रहा है। एंड अब इनको मैंने यहाँ से कॉलम नेम दे देना है, राइट, तो ये ऊपर ऊपर वाले ऑफ कोर्स डार्क भी होने चाहिए और वो कॉलम नेम्स हैं। ओके, राइट, और इसका कलर भी चेंज होना चाहिए, तो मैं यहाँ से इसका कलर चेंज कर देता हूँ। ओके, राइट, अब नेक्स्ट काम क्या है, ये जो है हमारे कॉलम के नेम्स, इनको मैं क्विकली नेम दे देता हूँ एक्चुअल कि किस चीज के वो कॉलम्स हैं। ओके, तो ये सभी नेम दे दिए, अब लास्ट वाले पे हम लोग पहले चलते हैं। यहाँ पे ये एक्शंस जितने भी है यहाँ पे हमने स्विच करना होगा, तो ये नेम हमने सेलेक्ट करा हुआ है, नेम की जगह अभी हमने क्या चाहिए यहाँ पे, एक्शन। तो ये जैसे किया यहाँ एक्शन आ गए, और यहाँ हमें क्या चाहिए, स्टेटस, तो यहाँ पे गए और यहाँ से स्टेटस सेलेक्ट कर लिया। ओके, तो अभी तक ये टेबल बन गया है। अब इसके अंदर हम लोग चलेंगे ईमेल आईडीज वगैरह डालने के लिए, तो ऑफ कोर्स हमें इनकी ज़रूरत नहीं है, जितने भी ये सर्कल्स हैं इसे हम लोग रिमूव करेंगे, तो क्योंकि ये ऑटो लेआउट में बना हुआ है तो ईजिली एडजस्ट हो रहा है।
राइट। अब ये जितने भी कॉलम नेम्स हैं, अगर आप चाहें कि इनकी जो अलाइनमेंट है वो लेफ्ट में रहे, तो आप इस तरह से लेफ्ट में दे सकते हो, और जो नीचे का डेटा है उसे भी आप लेफ्ट में कर सकते हो। ओके, तो अभी अगर हम लोग इसे देखें तो हमारा टेबल जो है वो काफ़ी हद तक रिस्पॉन्सिव बन चुका है। ये देखिए, रिस्पॉन्स भी दे रहा है, और जो भी हमने कॉलम्स कम विड्थ के रखने हैं, हम लोग इस तरह से ड्रैग करते हुए उसे कम विड्थ में कर सकते हैं। ओके, एंड अभी आप देखोगे ये पूरा प्रॉपरली रिस्पॉन्स दे रहा है, रिस्पॉन्सिव भी बना है, और ईच कॉलम को हम लोग इस तरह से इधर उधर भी ले जा सकते हैं। और हमें एक और कॉलम भी चाहिए यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे ये 7 थे, इसमें और भी चाहिए अगर हमें, तो इसके लिए क्या करेंगे, कंट्रोल डी करेंगे, तो इसके अंदर ही देखिए और कॉलम भी ऐड हो रहे हैं और वो डेटा भी अपने आप एडजस्ट हो रहा है। जो हमने नेस्टेड कॉम्पोनेंट की बात कही थी स्टार्टिंग में, ओके, तो नेस्टेड कॉम्पोनेंट्स कौन से, जैसे कि ये है अपकमिंग, ये कैंसिल भी हो सकता है, या फिर ये इसकी जगह पे कंप्लीटेड भी आ सकता है, तो ये स्विच भी यहाँ पे हम लोग कर सके, ये कैसे करेंगे, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट तो पॉसिबिलिटी नहीं है, राइट। तो इसका जो मास्टर कंपोनेंट होता है, जो कि यहाँ पे हमारा पड़ा है, देखिए पहले से जो मैंने बनाए हुए थे वो मैं डिलीट कर देता हूँ, कन्फ्यूजन ना हो ताकि, तो ये जो हमने यहाँ पे रखा हुआ है, हमने क्या करना है, इसी को हम लोग चलो बाहर ले आते हैं और इसी की कॉपी बनाते हैं, 3 कॉपीज, 3 टाइप के स्टेटस के लिए। ये अपकमिंग है, तो इसका टाइटल भी मैं यहाँ पे अपकमिंग दे देता हूँ, एंड ये हम लिखेंगे कंप्लीटेड, ओके, और ये टाइटल भी यहाँ पे भी कंप्लीटेड आ जाएगा, और ये होगा कैंसल्ड, ओके, राइट। ये 3 हो गए। अब जस्ट इसमें क्या करना है, हमने कलर चेंज कर देता हूँ मैं जल्दी से, ओके, तो ये 3 कलर हो गए, अपकमिंग, कंप्लीटेड और कैंसल्ड। अब इन तीनों को मैं सेलेक्ट करूँगा अगेन, और पहले ही मैंने नेम दे दिए थे, तो यहाँ से गया मैं और क्रिएट कॉम्पोनेंट सेट पे क्लिक किया मैंने, तो जैसे इस पे क्लिक करता हूँ ये पूरा एक कॉम्पोनेंट सेट बन चुका है, और यहाँ देखिए एसेट में भी ये आ चुका है। तो ये जो कॉम्पोनेंट है इसे मैं यहाँ ला के इसके अंदर ड्रैग कर दूंगा, और ये हमारा अभी वाला कॉम्पोनेंट है जिसे हमने ड्रैग ड्रॉप किया है, ये पहले वाली शेप है, इसको मैं डिलीट कर दूंगा, तो ये यहाँ पे आ गया, एंड ये अब अपने आप यहाँ पे भी आ चुका होगा। ओके, अब जब इस पे जाते हैं हम लोग, तो इस पे देखेंगे, यहाँ से देखिए ये आ गए हैं ऑप्शंस, कैंसल्ड, कंप्लीटेड और अपकमिंग। तो अब हम लोग कंप्लीटेड स्विच कर सकते हैं इस तरह से, ओके, तो इस तरह से हमने क्या किया है, एक कंपोनेंट के अंदर ही एक और कंपोनेंट डाल दिया है जिसको बाद में हम लोग ऐसे स्विच कर सके। तो आई होप कि इससे आपको कुछ और भी आइडियाज आए होंगे कि आप इस ट्रिक को यूज करते हुए और क्या क्या कर सकते हैं। इसे भी हम लोग नेस्टेड कंपोनेंट कहते हैं, कंपोनेंट के अंदर एक और कंपोनेंट डाल देना। ओके, तो यहां से कुछ भी अगर हम लोग चेंजेस करते हैं तो वो रिफ्लेक्ट इस कंपोनेंट सेट के यहाँ पे भी होगा, और जहां ये यूज किया है वहां पे भी होने वाला है। ओके, यही काम आप स्टार्टिंग में भी कर सकते थे, जिस टाइम ये वाले शेप जो थी ये जब बना रहे थे आप, उसी टाइम कर सकते थे कि पहले ये बना के एंड फिर इसको यहाँ रखते हुए ऑटो लेआउट देते हुए बैकग्राउंड में व्हाइट कलर देते तो भी ये काम हो जाता। तो ये तो रहा हमारा रिस्पॉन्सिव टेबल, अगर हम इसमें से कुछ भी डिलीट भी करते हैं तो कंटेंट अपने आप एडजस्ट हो रहा है, इसे ही कहते हैं रिस्पॉन्सिव टेबल, की रिस्पॉन्स दे टेबल टोटल विड्थ के अकॉर्डिंग भी और अंदर का जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग भी। अगर हमने इस तरह के टेबल्स बनाने हैं और इसके अंदर रियलिस्टिक डेटा डालना है तो वो भी कैसे डालें, तो ये आज की इस वीडियो का बोनस कंटेंट रहने वाला है, आई होप आपको काफ़ी पसंद आने वाला है। देखिए जैसे कि हमारी यहाँ ये शेप्स हैं, इनको मैंने सेलेक्ट किया, और हम लोग एक प्लगइन यूज करेंगे कंटेंट रील। कंटेंट रील के अंदर इमेजेस में जाएंगे, इमेजेस में जाने के बाद आपको लिस्ट दिखाई देगी यहाँ पे अवतार्स की, तो जैसे ही मैं किसी पे भी क्लिक करता हूँ तो यहाँ काफी सारे ये आ जाते हैं, और अप्लाई ऑल करूंगा तो ये क्विकली सभी जगह इमेजेस सेट हो जाती है, तो ये रियलिस्टिक डेटा रहता है, राइट। उसके बाद हमें रियलिस्टिक नेम भी चाहिए, तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, इनको एक एक करके शिफ्ट और कंट्रोल के साथ सेलेक्ट कर लिया है, और अब मैं जाऊँगा यहाँ, तो यहाँ ऑप्शन आ रहा है इमेज की जगह टेक्स्ट का, तो टेक्स्ट वाले में जाके मैं यहाँ पे डालूंगा नेम, तो यहाँ पे देखिए काफ़ी सारे नेम्स आ गए, तो यहाँ पे फुल नेम नहीं लेंगे फिलहाल के लिए हम लोग, और सिंगल नेम लेंगे, फर्स्ट नेम। तो जैसे ही मैंने ये सेलेक्ट किया यहाँ पे नेम्स आ गए हैं। अब क्योंकि ये पूरा सेंट्रलाइज्ड था हमारा, ये देखिए ये सारे सेंट्रलाइज्ड थे, इसीलिए ऐसा हुआ, अगर हम लोग यहाँ से इन सबको लेफ्ट अलाइन कर देंगे तो ये लेफ्ट अलाइंड हो गए प्रॉपरली। ओके, इसके बाद इसी तरह से ईमेल आईडीज हमें चाहिए यहाँ पे, राइट, तो टेक्स्ट में ही रहेंगे हम लोग और यहाँ पे लिखेंगे ईमेल, तो यहाँ से कुछ भी एक शॉर्ट से ईमेल्स हम लोग एक बार के लिए सेलेक्ट कर लेते हैं, और ये सभी में ईमेल्स भी आ गए, और इसी तरह से इसे भी हम लोग अलाइन कर देंगे लेफ्ट की तरफ। अब देखिए कुछ ईमेल आईडीज लेंथी आ रहे हैं तो नो इश्यूज, जैसे कि इस कॉलम की विड्थ कम कर सकते हैं तो वो वहाँ पे अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। ओके, इसी तरह से फ़ोन के लिए भी हम लोग कर देते हैं क्विकली, तो यहाँ फ़ोन नंबर्स भी आ गए हैं क्विकली,
DOB, डेट ऑफ बर्थ, तो डेट ऑफ बर्थ भी आ चुकी है। तो अब इस तरह से हमारा ये जो टेबल है वो कंप्लीट हो गया। अगर आपने ग्राफिक गुरुजी की मोबाइल एप्लीकेशन अभी तक डाउनलोड नहीं की है तो जल्दी से कर लीजिए, लिंक उसका आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस ऐप पे आने के बाद आपको मिलने वाले फ्री लाइव सेशंस यूआई यूएक्स डिजाइनिंग और आपके करियर के बारे में भी आप ढेर सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं मुझसे लाइव रहते हुए। इसके अलावा इसी एप्लीकेशन पे फ्री और पेड कोर्सेज भी हैं, डिजिटल एसेट्स भी हैं, किट्स भी हैं जो आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर इस वीडियो पे बहुत सारे लाइक्स आते हैं, शेयर्स होते हैं, तो नेक्स्ट जो वीडियो होने वाली है वो होगी एक कंप्लीट डैशबोर्ड को हम लोग रेस्पॉन्सिव में कैसे कन्वर्ट कर। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल के सिंबल पे भी क्लिक करना है ताकि आने वाले सभी इसी तरह के वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें।